तो फिलहाल मैं अभी हैदराबाद में हूँ, यहाँ मैंने स्टे लिया था रात में, रात काफ़ी हो गई थी पता ही आप लोगों को। फिलहाल अभी जो राइड बची है वो 580 किलोमीटर की है पुणे की, 8:30 लगभग बज रहे हैं, काफ़ी लेट हो गया निकलने में, आराम से निकला क्योंकि आराम से ही पहुँचेंगे, कोई टेंशन नहीं है। बिल्लो रानी रेडी हैं, फटाफट निकलते हैं और आपसे मिलते हैं हाईवे पे। शहर तो यार अच्छा है, अच्छा बनाया है, लेकिन वही है कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसमें, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, रोड काफ़ी बन रही हैं, अभी अंदर सिटी में फ्लाई वे वगैरह बन रहा है, सब कुछ है यार, बहुत भी चीज़ें कंस्ट्रक्शन हो रहा है। बट जब ये पूरा हो जाएगा ना तो ये बहुत मतलब फास्ट हो जाएगा शहर भी, चौड़ी चौड़ी सड़कें बन रही हैं अंदर। लास्ट टाइम जब मैं आया था हैदराबाद तो ये फ्लाई ओवर बन रहा था, अभी देखो रेडी है बन के, काफ़ी काम तेज़ हुआ है, 2 साल में इन्होंने पूरा बना के रख दिया है ये वाला फ्लाई ओवर। सर ट्रैफिक कंट्रोल बहुत अच्छा है इस शहर का, फ्लाई ओवर बना रखे हैं, बहुत सारे फ्लाई ओवर बना रखे हैं, मतलब जहाँ जहाँ ट्रैफिक हो सकता है कि पॉइंट वहाँ फ्लाई ओवर दे रखा है, भाई निकल जाओ अपने हिसाब से। ये है हैदराबाद का आईटी सिटी, क्या बना रखा है शानदार, और अभी उधर कंस्ट्रक्शन चल भी रहा है, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा भाई, गूगल मैप ने कुछ तो कांड किया है, क्योंकि सोचो विशाखापट्टनम से अगर आप जा रहे हो हैदराबाद से होके पुणे तो ये रास्ता नहीं पड़ना चाहिए यार, कुछ तो इसने गड़बड़ कर दिया है, अब जो भी किया इसने, बट इसने अच्छा नहीं किया। ये इधर देखो, ये पूरा ऐसे लाइन से गुलमोहर लगा हुआ है, पीछे तो और ज़्यादा थे, पूरा लगा है, करीब लगभग 10 किलोमीटर चला आ रहा है ऐसे ये गुलमोहर, गुलमोहर और नीम, गुलमोहर और नीम, गुलमोहर और नीम। फिलहाल अभी मैं आगे मर्ज जाऊंगा NH-65 में, प्रॉपर जो पुणे का हाईवे है अपना, तो लगभग मुझे 76 किलोमीटर के आसपास पड़ा वहाँ से पुणे हाईवे। तो मैं यूजली ऐसे जो है छोटे रेस्टोरेंट ऐसे बाहर मतलब खाना पसंद करता हूँ, प्रेफर करता हूँ एक्चुअली, टाइम बचता है। आगे अपना डोसा मैं थोड़ा सा खा गया, भूख बहुत ही लगी थी, लेकिन लोकेशन बहुत सही मैंने सेट की है, लोकेशन मैं दिखाता हूँ एक बार आपको, देखो लोकेशन बिल्लो रानी। चलो फटाफट खाएंगे फिर मिलते हैं बाइक पे। ये देखो कैसे बैठाया है पैर, देखो वहाँ भाई साहब, अल्टीमेट तरीका है, मैं उधर दिखाता हूँ, लेट मी शो यू फ्रॉम दिस साइड, कुत्ता भी बैठा है, सी सी सी, लुक एट दिस, लुक एट दिस, और डॉगी भी आगे बैठा है, डॉगी भी बैठा है, वो कैसे बैठी है, वो 2 डॉगी हैं। वेलकम टू कर्नाटका। तो ये इस राइड का मेरा 5वां स्टेट, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इसके बाद आंध्रा, तेलंगाना और अब कर्नाटका, तो 5वां स्टेट और आज का दूसरा भाई साहब, बस इसके बाद महाराष्ट्र। इस समय मैं चल रहा हूँ कर्नाटक में, यार फीलिंग ही अलग है, तेलंगाना में था अब कर्नाटक में आ गया, अभी महाराष्ट्र में निकल जाऊँगा, समझ रहे हो, सुपर। आज देखो घास सूख गई है, देख रहे हो ये सारी घासें सूख गई हैं, बारिश में हरी होंगी, यही मैं करता कि उड़ीसा में और आंध्रा में इतनी ग्रीनरी थी ना कि घासें भी हरी थी, और यहाँ पे आप देखो सारी घासें सूख गई हैं, यही डिफरेंस है। देखो यहाँ पे मिट्टी लाल चालू हो गई, अब आगे पुणे पहुँचते पहुँचते काली मिट्टी हो जाती है, बट देखो लाल मृदा। बींग नॉर्थ इंडियन हम पढ़ते थे ना कि लाल मृदा रेड सॉयल होती है कर्नाटक साइड में, देखो ये पूरी रेड सॉयल है, देखो पूरी रेड सॉयल है दूर दूर तक, अब जहाँ पे देखोगे सब रेड सॉयल है, आयरन ज़्यादा होता है ना इसमें भाई, पूरा प्रॉपर। सब लोग मिले थे यहाँ पे खड़े होके, थोड़ा बातचीत किया, सब आजमगढ़ से ही है सारे लोग, ये जो हाईवे वाला काम चल रहा है इसका कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बनाया आप लोगों ने। अच्छा, हमको अयोध्या का हाँ
सीता का रसोई घर अच्छा लगा। अच्छा अच्छा, चलिए निकलते हैं, चलिए जय श्री राम, मिलते हैं। ऐसे लोग मिलते रहते हैं, प्यार मिलता रहता है, रास्ता कट जाता है। मैं यहाँ पे भाई साहब, मैंने लगभग 30 मिनट का ब्रेक ले लिया। खैर मुझे पता चला है ये हाईवे का साथ कुछ दूर तक है, इसके बाद रास्ता जो है फिर वापस से ख़राब, जैसे महाराष्ट्र में एंट्री होगी रास्ता चौपट हो जाएगा। चलो वेलकम टू सोलापुर टोलवेज। तो फाइनली एंट्री हो गई महाराष्ट्र में। तो ये इस राइड का 6th स्टेट और आज ही दिन का 3rd स्टेट, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, फिर आंध्रा, फिर इसके बाद तेलंगाना, फिर कर्नाटक और अब महाराष्ट्र, और आज ही दिन का 3rd स्टेट तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो बस पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। और देखो यहाँ पे ब्लैक सॉइल चालू हो गया है, देखो पीछे रेड सॉइल था, यहाँ पे पूरा ब्लैक सॉइल चालू हो गया। इसमें मक्का वगैरह, इसमें ज़्यादा अच्छी फसलें होती हैं। देखो पीछे रेड सॉइल था, अब यहाँ से आपको पूरा ब्लैक सॉइल मिलेगा। अभी पीछे 5-6 किलोमीटर पहले रेड सॉइल था, एंटर करते ही ब्लैक सॉइल चालू। ऑल दो दोनों सॉइल अच्छी होती हैं, बट देखो ब्लैक सॉइल चालू हो गया, काली मिट्टी, काली मृदा। महाराष्ट्र में ये अच्छा है, जैसे ही आप घुसोगे अंदर ना महाराष्ट्र में, आपको साइड में इतने सारे रेस्टोरेंट्स, होटल्स और पूरे भरे पड़े रहते हैं, मतलब एटलीस्ट रेस्टोरेंट तो भरे ही पड़े रहते हैं। ये बहुत सही महाराष्ट्र की चीज़ें हैं, मतलब ये गुजरात में भी है, पर गुजरात में एक साइड है, लेकिन महाराष्ट्र में जिधर भी आप जाओगे ये चीज़ आपको मिलेगी। खाने पीने का भी आप भूखे नहीं गाड़ी चला सकते, जैसे कल मैं आंध्रा में चला रहा था खाने के लिए परेशान था, ये इधर नहीं। पूरा देखो 2 साल पहले जून में मैं जब हैदराबाद गया था यहाँ से, तब भी ये ऐसे था, ये बन रहा था, ये ऐसे टूटा फूटा था। अभी भी 2 साल से कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, बताओ कहाँ कहाँ के फ्लाईओवर बन गए, बड़े बड़े पेड़ पास हो गए, बट इसका भी आ ही नहीं रहा है। इवन आप देखोगे तो घास उग गई है उस साइड में, ये देखो देख रहे हो घास वगैरह उग गई है, तो अंदर तरफ पेड़ निकल गए हैं। देखो अब आप समझो कितने पुराने होंगे कि इस पर ये अरंडी के पेड़ उग गए हैं, कैस्टर के पेड़ उगाए हैं। ये सारे जो फ्लाईओवर हैं ना इस रूट पे, सोलापुर से कर्नाटक बॉर्डर तक, सबके काम रुके पड़े हैं, सब ऐसे सालों से अटके पड़े हैं। ये वाला भी, मतलब ये सारे 2 साल पहले ऐसे ही थे, आज भी ऐसे हैं, और जिस तरह कंडीशन लग रही है लगने अगले 20-25 साल तक बनेगा, फिर नया टेंडर आ जाएगा, नया तोड़ के नया पैसा, नया सब कुछ वापस से। यहाँ मंडी लगने लगी है, सब्जी मंडी, मतलब इनको इतना कॉन्फिडेंस है कि ये फ्लाईओवर नहीं बनेगा, सब्जी मंडी लगने लगी। भाई साहब ये सालों से अटके हुए प्रोजेक्ट है, पता है रोड कंडीशन देखो आप, मौसम देख रहे हो आप, लग रहा है बारिश का स्वागत होगा पुणे में वापस। फिलहाल ये इधर जो रेंज है सोलापुर वाला, अगर इधर आप मतलब थोड़ा साइड में चलते हो ना, तो आपको हिरन स्पॉट हो जाते हैं, कई बार हो जाते हैं। मैं 1-2 बार आया हूँ तो 1-2 बार मुझे स्पॉट हुए हिरन, बट यहाँ के हिरन में और साउथ के हिरन में फ़र्क क्या है, वो आपके पास आएंगे तो आपको वो उतर दूर देख के भाग जाएंगे, तो स्पॉट करना पड़ता है, आ जाते हैं इधर। फिलहाल पुणे अभी भी यहाँ से 180 जैसा बचता है और 5:30 बज चुके हैं। तो सामने बारिश देख रहे हो, बारिश भयानक, बारिश हो रही है भयानक। एक्चुअली मेरा प्लान नहीं था इधर कोई आने का ना, ये तो अनप्लान्ड था, ये पूरी राइड अनप्लान्ड थी, इसलिए मैंने कुछ ऐसे बारिश का प्लान ही नहीं किया था। ये देखो सारा खोद दिया उन्होंने, पत्थर है पूरा, मिट्टी बहुत कम है, अगर आप देखोगे ना तो ऊपर थोड़ी सी लेयर मिट्टी की है, बाकी पत्थर है, खेती के लिए बस उतना ही मिट्टी है यहाँ पे। तो फाइनली पुणे पहुँच गए, टोटल राइड हुई है 570 किलोमीटर की, 5 किलोमीटर और घर बचता है। ये ब्लॉग मैं यहीं एंड कर रहा हूँ, फिर मिलेंगे किसी और ब्लॉग में, कुछ और एक्सप्लोर करते हुए, कुछ और देखते हुए। होप कि आपको मज़ा आया होगा, मज़ा आया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, नहीं आया तो कमेंट में बताओ कि क्या मज़ा नहीं आया। ठीक है फिर मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्यार बांटते रहें, बाय।